सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्रिटेन की रहने वाली 39 वर्षीय सेल्वा हुसैन आर्टिफिशियल हार्ट इस्तेमाल करती हैं। उनका दिल शरीर के बाहर काम रहा है, जिसे वह एक बैग में अपने साथ रखती हैं। सेल्वा हुसैन की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी लंदन के हैफील्ड अस्पताल में हुई है। यहां के डॉक्टर ने करीब 6 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सेल्वा हुसैन को आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया था। वह इस आर्टिफिशियल हार्ट को एक बैग में कैरी करती हैं। सेल्वा हुसैन को करीब 6 महीने पहले सांस लेने में काफी दिक्कत हुई। गंभीर हालत में सेल्वा को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, जहां उन्हें डॉक्टर ने सीरियस हार्ट फेलियर की शिकायत के बारे में बताया। बाद में सेल्वा को लंदन के फेमस अस्पताल हैफील्ड में रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें जीवित रखने के लिए काफी मशक्कत की। डॉक्टर ने 6 घंटे चले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑपरेशन के बाद सेल्वा को आर्टिफिशियल हार्ट लगाया, जिन्हें वह बैग में रखती हैं। सेल्वा के इस इलाज में 86,000 पौंड यानी करीब 75 लाख रुपए तक का खर्च आया है।